हेलो दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का अपने एक नए वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अपने मार्पो फिंगरप्रिंट मशीन का सीरियल नंबर कैसे निकाला जाता है। अगर आपकी मार्पो बहुत पुरानी हो गई है और आपका जो उसमें सीरियल नंबर पीछे लिखा रहता है वो आपका मिट गया है, नहीं दिख रहा है, तो उस सीरियल नंबर को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सीरियल नंबर हमें बहुत जगह पे काम आता है। जैसे कहीं किसी पोर्टल पे आपको अपने मार्पो का रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको सीरियल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में अगर आपके मार्पो की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, जैसे कि रिचार्ज की जो वैलिडिटी होती है वो आपकी एक्सपायर हो गई है, तो अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं अपने मार्पो का, तब भी आपको सीरियल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीरियल नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दिखाने वाला हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो वहाँ पे आपको अपना मार्पो लगाना है, और उसके बाद में चाहे आपका मार्पो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल हो या ना इंस्टॉल हो, उसके बावजूद भी आप अपना मार्पो का जो सीरियल नंबर है वो आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये सीरियल नंबर सही है कि गलत है, वो भी मैं आपको अपने कंप्यूटर पर चलूँगा और जो मार्पो की वेबसाइट है वहाँ पे चेक करके मैं दिखाऊंगा। 100% आपका सीरियल नंबर वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो कैसे किया जाता है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देना। और यहाँ पर आपको अपने मार्पो का जो आपको सीरियल नंबर निकालने के लिए, आपको अगर आपके कंप्यूटर में आपका मार्पो इंस्टॉल है तो और अच्छा है, नहीं इंस्टॉल हो तो बिना इंस्टॉल के भी आप उसका सीरियल नंबर निकाल सकते हैं। तो सीरियल नंबर निकालने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल के ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे तो यहाँ पे हम अपने कंट्रोल पैनल के ऑप्शन पे यहाँ पे आ जाते हैं। कंट्रोल पैनल पे आपको आने के बाद में हार्डवेयर एंड साउंड के ऑप्शन पे यहाँ आपको डिवाइस यानी व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर के ऑप्शन पे आपको आना है और यहाँ पे आपको ओके करना है। और यहाँ पे जो भी आपने जितना भी आपका प्रिंटर या डिवाइस या माउस जो भी लगा होगा सारा यहाँ पे आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्पो जो हमारा है ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी के ऑप्शन पर आएँगे और ओके करेंगे, और यहाँ पर हार्डवेयर के ऑप्शन पर आएँगे, और यहाँ पर प्रॉपर्टी के ऑप्शन पर फिर से यहाँ पर आएँगे, और यहाँ पे इवेंट के ऑप्शन पे आपको ओके करना है। तो इवेंट के ऑप्शन पे जैसे ही ओके करेंगे थोड़ा इसमें टाइम लेगा, लेकिन यहाँ पे आपका सीरियल नंबर आ जाएगा। तो अगर आपकी मशीन बहुत पुरानी हो गई है और उसमें आपका मार्पो का सीरियल नंबर नहीं शो कर रहा है तो आप इसी तरह अपना सीरियल नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सीरियल नंबर सही है या गलत है चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल क्रोम पर चलते हैं और आपको वहाँ पर हम दिखाते हैं कि ये सीरियल नंबर जो हमने यहाँ से निकाला है सही है या कि गलत है। तो फिर चलिए गूगल क्रोम पे इसको ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम, और यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं जो हमने यहाँ पे मार्पो का सीरियल नंबर निकाला है। तो सीरियल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके कंप्यूटर में मार्पो जो ड्राइवर है इंस्टॉल हो तब भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं इंस्टॉल है तो भी आप लगा कर और ये सीरियल नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे मार्पो आरडी सर्विस, और यहाँ पे हम ओके करेंगे आरडी सर्विस पे यहाँ पे, और यहाँ पे रिन्यू आरडी सर्विस पे हम ओके करेंगे, और नीचे यहाँ पे आएंगे बाई आरडी सर्विस के ऑप्शन पे यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपके पास यहाँ पे डिवाइस सीरियल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पे जो सीरियल नंबर हमने कॉपी किया था ये सीरियल नंबर यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। और उसके बाद में यहाँ पे सेलेक्ट डिवाइस मॉडल पूछा जा रहा है, तो मॉडल आप कोई भी डाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमने क्या मॉडल डाला था अपने इसमें पता ही नहीं है, उसमें कुछ मॉडल लिखा ही नहीं है, उसके बावजूद भी आपका यहाँ पर अगर रिचार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं, और उसके बाद में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने कॉपी करके डाला है यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको चार को एक बार मिटा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे फिर चार हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड सीरियल नंबर इज वैलिड, यानी कि जो अपना मार्पो का आपको सीरियल नंबर डाला है यहाँ पे एकदम करेक्ट है और वैलिड है। तो अगर आपकी मशीन मार्पो की बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है तो आप सेम इसी प्रकार अपना सीरियल नंबर आप अपने मार्पो